हम चेंज चाहते हैं। एक साहब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की, मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी की, फिर दूसरी पीएचडी करके आगे बड़ा कुछ कर लिया उन्होंने। अब उन्होंने बड़ा स्टडी किया, कई मुल्कों में गए थे। अब उन्होंने प्लान किया कि पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, वो फैसलाबाद का आदमी था, आपको शायद बताओ इस बात का, वो कंधा भी फैसलाबाद का था जिसकी बात कर रहा हूँ। उसने प्लान किया कि मैं ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया जो प्रॉब्लम्स का शिकार है वो ख़त्म हो जाए, दहशतगर्दी ना होगी, भूखा ना सोए, अखलाकी बेरार भी ना हो, वगैरह 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 सारा एक प्लान बनाया। वो सारा प्लान बनाने के बाद उसने यूएनओ को, अमेरिका को, बरतानिया को, जर्मनी को, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम मुल्क है ना, उन सब को वो तमाम प्लान बना के भेजा। उसने कहा कि अगर इसके ऊपर अमल करें तो ये दुनिया चंद सालों में एक आइडियल दुनिया बन सकती है, अमन का गहवारा बन सकती है। साल दो साल गुजर गए, किसी ने जवाब तक देना गुवारा नहीं किया। उसने कहा दफा करो दुनिया को, मुझे का दुनिया से देना। ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला अगर ठीक हो जाए ना तो हमारे कई मसले हल हो जाएंगे। उसने एक नया प्लान देखा, बनाया। उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को और इंडिया के हुक्मरानों को भेजा कि हम किस तरीके से मैचअप कर लेते हैं। किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। उसने कहा अरे है ही हिंदू का, हर दफा करो पाकिस्तान को ठीक करते हैं। उसने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, जो भी अथॉरिटीज थी, उन्हें खतूत लिखे, प्लान बताया कि पाकिस्तान को कम से कम अरसे में तरक्की याफ्ता कैसे बनाया जा सकता है। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा कि बस ऊपर तो हुकूमत है ना, कि सरदारी की पता नहीं है ही ऐसा, मैं पंजाब की बात करता हूँ। उसने चीफ जस्टिस को और चीफ मिनिस्टर को खतूत लिखे, आई जी पुलिस को बताया कि मुजरिमों से क्या करना चाहिए। किसी ने जवाब देना भी गुजारा नहीं किया। उसने कहा भारत में जो सौ रुपये फैसलाबाद को ठीक कर दे। उसने फैसलाबाद के जो है जिम्मेदारान उन्हें खतूत लिखे, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा यार ये क्या मुसीबत है, की बात नहीं सुनता, चलो छोड़ो, कहता है मुझे सारे शहर फैसलाबाद में किसने जाना है, मैं जिस कंपनी में जिस इदारे में काम करता हूँ, अगर वो इदारा ही ठीक हो जाए तो मेरी से आपकी हद तक तो ठीक है ना। उसने इदारे के साथ लोगों से मीटिंग की, उन्हें बताया कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये किसी ने बात नहीं सुनी। उसने बड़ा सोचा कि हो क्या रहा है। उसने कहा चलो छोड़ो, मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो घर में गुजर रहा, तो अगर मैं मोहल्ले को, अपने घर को खूबसूरत सा मोहल्ला बनाऊंगा, रस्ते बार की कूड़ा ना फेंके, ये ना हो, वो ना हो, तो बड़ा अच्छा सिचुएशन बन जाएगी ना, आइडियल सिटी बन जाएगा, आइडियल सिटी की आइडियल स्ट्रीट। मोहल्ले के बुजुर्गों से मिला, उन्होंने कहा तू वड्डा पढ़िया लिखा रहता नहीं, चुप। उसकी शादी हो गई खातिन से माधव के साथ, उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि दीदी ने ठीक कर दें। वो आपको पता है कि देखिए जिस तरह ये हंस रहे हैं ना शादीशुदा लोग, इन्हें पता है कि कितना मुश्किल काम होगा। अच्छा, दो साल उन्होंने कोशिश की बीवी को ठीक करने की, खैर वो बेसूद। अब उनके दो बच्चे हो गए। अब उन्हें अंदाजा हुआ एक्चुअली मैं जिन लोगों पे काम कर रहा था ना पहले, उनके ना दिमाग पहले से भरे हुए थे, उन पे क्या काम करता, अब मेरे पास रॉ मटेरियल आया, खाम माल, बिल्कुल एम्प्टी क्लीन स्लेट्स हैं, इन पे जो लिखूंगा वो नक्श हो जाएगा, इन पे काम करता हूँ और दुनिया को बताऊंगा कि मिसाली शहरी क्या होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत दी, 18 साल तक उन्होंने बच्चों को बेहतरीन इदारों में पढ़ाया, तरबियत दी, ये कर वो कर। 18 साल के बाद उन बच्चों ने अपनी अपनी मर्जी की शादी की, अपनी अपनी मर्जी की नौकरी की, वो अपनी अपनी मर्जी के मुल्क चले गए। अब वो साहब इस तरह मरक पर पड़े हुए थे, मौत करीब थी, उन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया, कहते हैं बड़ी अफसोसनाक बात बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या, कहते हैं कि मेरे पास एक बेहतरीन प्लान था आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले, अगर उस प्लान पर अमल होता तो आज पूरी दुनिया अमन का गहवारा होता, कहीं पर कोई मसला ना होता, कहता है। लेकिन एक छोटी सी गलती की, उस गलती से मात खा गया। ये वो प्लान है, कहता है, बस जो गलती मैंने की वो तुम गलती ना करना। वो कहते हैं तुमने क्या गलती की। वो कहता है मैंने उल्टी सी मत से शुरू किया, मुझे खुद से शुरू करना चाहिए था, मैं दूसरों को ठीक करने के चक्कर में पड़ा रहा। देखिए तब्दीली का सफर, ये चेंज का सफर यहाँ से स्टार्ट होता है।